Well guys, तो मैंने इस डेडपूल को कलर कराया इस पेंसिल से, कैसे वो चीज मैं तुम्हें वीडियो में बताऊंगा। तो मुझे ये न्यू ट्रिक पता चली है, अगर तुम्हारे पास कलर पेन, ब्रश पेन या मार्कर्स हो तो तुम उसको पेंसिल के साथ यूज करके एक डिसेंट सी कलरिंग कर सकते हो। तो जैसा तुम इसमें देख सकते हो, मैंने शैडो एरियाज में डेप्थ दिखाने के लिए उसको पेंसिल से शेड कर दिया और फिर मैं ब्रश पेन से उस पर कलर कर रहा हूं, जिससे मुझे वो बेस टोन मिल जाती है कलर की। और जहां पे मैंने पेंसिल यूज कर रखी थी वहां पे मेरे को वो शैडो एरियाज बिल्कुल उसी कलर के डार्कर टोन के साथ मिल जाते हैं। एज यू नो, इन चीप्स कलर्स में ज्यादा वेरिएंट नहीं होते कलर के, और अगर तुम कुछ जगह पे ज्यादा यूज करते हो शैडो दिखाने के लिए तो ये ब्लीड आउट करने लग जाते हैं। इसलिए तुम इस तरीके से काफी अच्छी और डिसेंट सी स्मूथ कलरिंग ला सकते हो, जैसा तुम देख पा रहे होंगे। और ग्रे कलर के लिए तो पेंसिल से बढ़िया क्या ही होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं तुम्हें मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।